You are watching Prime Sports TV. अच्छा, यॉर्क लाइन के ऊपर बॉल था, वेपर पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद साकिब आसानी से फील्ड किया, उन्होंने बॉल को मजीद किस रन का इजाफा नहीं होगा।
बहुत खूबसूरत बाल है, बाल वीडियो मुकम्मल तौर पर। यासिर के ग्लव्स में एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए इस बार। एक और खूबसूरत बात सुलेमान का इस बार बीट हुए सीधा कीपर के क्लब में यासर में, और मजीद एक और रन आउट करने कामयाब हुए इस बार। 143 रन का टारगेट चेस, 143 रन का टारगेट चेस करना होगा। शॉर्ट बाउंड्री और चार रन ज्यादा चलोगे यार आसान को। स्कोर बढ़ता हुआ दो और के अख्ताम के ऊपर 21 रन। वेलकम करता हूँ, खुशामदी कहता हूँ अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले दोस्त मौजूद है, आपको मेरे साथ मौजूद है पेज के ऊपर सरमद भाई, थैंक यू और मजी आपने हमें ज्वाइन किया। और तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ रेजोल्यूशन का T20 टूर्नामेंट का छठा मैच लाइव टेलीकास्ट करें हम आपको मुमताज सिटी ग्राउंड के अंदर से, जहाँ मैच खेला जा रहा है जैंट सिलेयर्स वर्सेज दमयाल थंडर के दरमियान। और दमयाल थंडर को टारगेट दिया गया 143 रन का, जो डिफेंड कर रहे हैं इस वक्त पोजीशंस के ऊपर मौजूद ओपनिंग अब तक सुल्तान वापस जा चुके हैं आउट होकर, आमिर और उनका साथ दे रहे हैं रियाज खान, आमिर कैप्टन है इस वक्त सामना करेंगे बॉलिंग का। शहजाद बॉलिंग लाइन के ऊपर मौजूद, अब तक एक ओवर के अंदर 13 रन दिए उन्होंने और कोई विकेट हासिल करने में कामयाब नहीं। सलमान ने एक ओवर किया अब तक और एक विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। यॉर्क लाइन के ऊपर बॉल और खेलना चाहते थे स्केल लेग की जाने, बॉल को प्रेस कर दिया गया एज हुआ और दो रन हासिल करने में कामयाब हुए। फील्डर बॉल के पीछे और तीसरे रन की काल होगी रियाज खान की, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन के दरमियान, आमिर और रियाज 3 रन हासिल करने में कामयाब हुए। 24 रन स्कोर बढ़ता हुआ। इस बार फिर सामना कर, एक बार फिर सामना करेंगे, इस वक्त बॉलिंग के निशान के ऊपर मौजूद हैं शहजाद खान, आए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा खूबसूरत शॉट है, मिडिल और लॉन्ग ऑन के दरमियान खेल दिया गया, फील्डर रोकने में नाकाम रहे और खूबसूरत शॉट, 4 रन हासिल होंगे यहाँ। स्कोर बढ़ता हुआ 28, तीसरे ओवर का खेल जारी है, एक खिलाड़ी का नुकसान। शहजाद एक बार फिर अपने बॉल निशान के ऊपर मौजूद, जी आमिर भाई, जी सरमद भाई थैंक यू वेरी मच जी, मैं आपका मैसेज जरूर आमिर भाई को कन्वे करता हूँ। एक फुल टॉस शॉट और गैप हासिल करने में कामयाब नहीं, अंपायर का कॉल देखना होगा। एक रन हासिल करने में कामयाब हुए आमिर भाई, भाई को बोले कि 10 मिनट की ब्रेक ले लें, किधर 3 बजे जी। सरमद भाई मैं आपका ये मैसेज समझ नहीं पाया, प्लीज काइंडली जरा रिपीट करेंगे इसको जरा।
शहजाद खान एक बार फिर सामना करेंगे आमिर का। आई एम को क्रॉस किया, मेडिकल को बाल को प्लेस कर दिया गया, खूबसूरत शॉट, चार रन होंगे यहाँ। और इस बार थोड़ा सा पीछे पड़ा हुआ बाल था जिसका भरपूर फायदा उठाया आमिर रफीक ने और खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 33, तीसरे ओवर का खेल जारी है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। और मैं जी अपने पेज के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं तमाम व्यूअर्स को। बिल्कुल जी आमिर भाई को मैं ये मैसेज देता हूं, बिल्कुल जी तीन रन हासिल करने में कामयाब हुए हैं, अब 10 मिनट की इनको ब्रेक करनी होगी। शहजाद एक बार फिर सामना करेंगे आमिर का, एक फुल टॉस शॉट था जिसको खेलना चाहते थे स्केयर लेग के ऊपर से और बॉल बॉडी के पास से गुजरता हुआ, वाइड का इशारा दिया अंपायर बिलाल मीर ने और यहां 5 रन हासिल होंगे जबियार थंडर के खाते में। स्कोर बढ़ता हुआ 38, तीसरे ओवर का खेल जारी है एक खिलाड़ी के नुकसान पर। आमिर भाई सरमद भाई कह रहे हैं कि आपने 3 रन हासिल किए हैं तो 10 मिनट की ब्रेक करनी होगी आपको। बिल्कुल जी सरमद भाई आपको जवाब दिया है आमिर भाई ने कि फिटनेस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है मेरी, आप 3 क्या, मैं यहाँ 10 रन भी लूंगा तो आपको ऐसे ही खड़ा पाया देखूंगा। सॉरी ये जी बिल्कुल सरमद भाई रियाज भी कह रहे हैं कि हर बंदे को अपनी तरह ना समझे, आपकी फिटनेस अच्छी है तो हमारी उसे और ज्यादा अच्छी है। फिट है आमिर भाई इस वक्त जी, बिल्कुल बहुत खूबसूरत शॉट खेला उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर 4 रन हासिल किए थे और लास्ट बॉल के ऊपर 5 रन वाइड के हासिल करने में कामयाब हुए। शहजाद एक बार फिर आमिर सामना करेंगे, उनकी बॉलिंग का एम्पायर को क्रॉस किया, इस बार फिर खूबसूरत शॉट खेल दिया गया, 4 रन होंगे हासिल होंगे यहाँ, खूबसूरत शॉट 4 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 42, जी सरमद भाई आपने देखा कितनी क्लासिक शॉट खेला आमिर भाई ने और फिटनेस उनकी दिखाई दे रही है, 3 रन हासिल करने के बाद भी वो साबित कदम क्रीज के ऊपर मौजूद है, खूबसूरत शॉट खेला मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान 4 रन हासिल करने में कामयाब हुए एक बार फिर आमिर। इस बार बहुत खूबसूरत शॉट बॉस करने की कोशिश की, कट करना चाहते थे, विकेट के पीछे भागने के बाद बॉल भी डॉ सीधा कीपर यासिर के ग्लव में, एक अच्छा बॉल कम बैक किया उन्होंने शहजाद ने और एक बॉल बीट करने में मजीद कामयाब हुए। खूबसूरत ओवर जमियात थंडर्स के लिए, 2 चौके हासिल करने में कामयाब हुए अमर। 3 ओवर के अख्ताम के ऊपर 42 रन, जी अमर भाई आपको कह रहे आउट क्लास। शर्मा भाई मैंने आपका मैसेज कन्वे कर दिया आमिर भाई को, आपने जो लिखा आउट क्लास, थैंक यू जी। आउट कितने हुए जी अब तक उस्मान भाई? 1 ही आउट है और अब तक जो है ना सुल्तान आउट है जी। सरमद भाई थैंक यू वेरी मच जी। रियाज अपने बैटिंग ध्यान के ऊपर मौजूद है, सल्लू आए अंपायर को क्रॉस किया, अच्छा बैक फुट के ऊपर कवर की जाने बॉल को प्लेस किया, फील्डर मौजूद उज़ैफा, एक खूबसूरत फील्डिंग करने का मौका दिया उज़ैफा को और इस स्थान में किसी रन का इजाफा नहीं होगा। 3 ओवर के अख्तितम के ऊपर स्कोर 42, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर जमियात थंडर्स इस वक्त बैटिंग कर रही है। खूबसूरत शॉट अंपायर के सर के ऊपर से खेल दिया गया स्ट्रेट ड्राइव के साथ, 4 रन हासिल होंगे यहाँ रियाज खान को, खूबसूरत शॉट क्रिकेट की तारीख का खूबसूरत शॉट, स्ट्रेट ड्राइव कवर ड्राइव और अक्सर कवर के ऊपर से खेला जाता है और एक खूबसूरत शॉट रियाज का, 4 रन हासिल होंगे यहाँ रियाज खान को और जमियात थंडर्स को। स्कोर बढ़ता हुआ 46, बार फिर खेल दिया गया लॉन्ग मिड ऑन के ऊपर से, खूबसूरत शॉट नी रोल करके खेला, खूबसूरत शॉट क्रिकेट की हुस्न का बेहतरीन शॉट है,
मिड ऑफ लॉन्ग ऑन के दरमियान खूबसूरत शॉट खेलते हैं, ये महारत रखते हैं रियाज, और पावरफुल शॉट होता है इनका। अब देखने को शाहीन को बड़े अच्छे खूबसूरत शॉट रियाज के बल्ले से निकलते आग घुलते हुए। आप देख रहे हैं सल्लू एक बार फिर कंटिन्यू दो कंसेक्टिव चौके लगाने में कामयाब हुए। सलमान आए, अंपायर को क्रॉस किया, सामना करेंगे आबिद रियाज, इस बार फिर कवर की जाने, खूबसूरत शॉट, खड़े खड़े खेल दिया टाइम और बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हुए चार रन, बैक टू बैक थ्री बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए रियाज खान। ये बिल्कुल इस बार बहुत खूबसूरत शॉट खेलेंगे आमिर ने रियाज ने। एक बार फिर सलू सामना करेंगे रियाज का, रियाज अपने बैटिंग जान के ऊपर मुताबिक अंपायर को क्रॉस किया, जोरदार शॉट खेलना चाहते थे, बॉल बीट हुए सीधा कीपर के ग्लव में, तीन लगातार चौके खाने के बाद चौथे बॉल को बीट करने में कामयाब हुए। जोरदार शॉट खेलना चाहते थे रियाज, अगर थोड़ा सा टाइम लेके खेलते तो डेफिनेटली इस बॉल को बड़े अच्छे तरीके से हिट कर सकते थे, जोर से खेलना चाहते थे। थैंक यू वर्मा जी उस्मान, वेल डन रियाज, मैंने आपका मैसेज कन्वे कर दिया रियाज, रियाज को बैटिंग के ऊपर मौजूद है, कंसेक्यूटिव तीन चौके लगाने में कामयाब हुए, चार बॉल अब तक खेले उन्होंने। सल्लू अपना पांचवा बॉल करने के लिए बॉल निशान से दौड़ते हुए आए, अंपायर को क्रॉस किया, स्लो डिलीवरी और जाने दिया बॉल को, और अंपायर का कॉल होगा अहमद सईद का वाइड बॉल, और वाइड बॉल की इसरा में एक रन का मजीद इजाफा होगा यहाँ। चौथे ओवर का इख्तिताम होने वाला, भी एक बॉल बाकी है, 55 रन हो चुके हैं, एक लड़ी के नुकसान पर सलू अपना लास्ट बॉल करेंगे और सामना करेंगे इस बार रियाज खान का, देखते हैं इस बॉल के ऊपर क्या रन हासिल करेंगे। आए अंपायर को क्रॉस किया, पीछे पड़ा बॉल था, पुल कर दिया, जोरदार ब्यूटी करके जा रहे, खूबसूरत शॉट, चार रन होंगे, खूबसूरत शॉट, और इस चार रन के इख्तिताम के ऊपर स्कोर बढ़ता हुआ 59, चार ओवर के इख्तिताम के ऊपर एक खिलाड़ी के नुकसान पर, खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा रियाज की जानिब से, चार चौके लगाए गए 100 ओवर्स के अंदर सलमान को, और खूबसूरत बैटिंग देखने के लिए शाकिर को मिली, जो के आबिद के बल्ले से निकलते हुए खूबसूरत शॉट, पहला चौका उन्होंने खेला अंपायर के सर के ऊपर से, दूसरा उनके साथ से खेला मिड ऑफ के ऊपर से, तीसरा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला, और चौथा छक्का चौका जो उन्होंने खेला मिड विकेट के ऊपर से खेला, खूबसूरत शॉट था खड़े बल्ले के साथ, और चार रन हासिल करने में कामयाब, चार चौके कंसेक्यूटिव लगाए उन्होंने। बॉलिंग चेंज के लिए लाया गया है साकिब को, और थ्रो का थ्रो का रन होगा यहाँ, दो रन हासिल करने में कामयाब हुए, बड़ी अच्छी रन बिटवीन विकेट आमर की और रियाज खान की। बॉलिंग चेंज के लिए लाया गया है साकिब को, अच्छा बॉल साकिब की जानिब से खेला गया, बड़े मुताद के साथ कैप्टन आमिर ने खेला कवर की जानिब और बगैर किसी रन बनाए हुए। और इस बार शॉट खेलने जाते मिड विकेट के ऊपर से, बॉल थोड़ा सा नीचे रहा और दूसरा विकेट हासिल करने में कामयाब हुए साकिब, और इस सिलसिले में पांच ओवर का खेल जारी है, 61 रन के मजबूत स्कोर के ऊपर दूसरा खिलाड़ी आमिर की सूरत में आउट हुआ दमयाल थंडर्स का, और नए आने वाले बैट्समैन है जमशेद शायद या इदरीस को बैटिंग के लिए भेजा।
आबिद विकेट कीपर इस वक्त नए बैट्समैन आने वाले ज्वाइन करेंगे रियाज खान को। दोनों डेंजरस मैन क्रीज के ऊपर मौजूद हैं, बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं और विकेट की चारों तरफ स्ट्रोक खेलना जानते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट बैट्समैन है दिव्याज थंडर्स के डीसीसी के। और अब तक कामयाब तरीन बैट्समैन आबिद जो साथ देंगे रियाज खान का। दोनों ही डेंजरस मैन है जो जब तक क्रीज के ऊपर मौजूद होंगे तो कुछ कहा नहीं जा सकता दिव्याज थंडर्स का। ये बड़े बड़े टारगेट को चेस करते हैं, अगर ये टोटल ओवर खेलते हैं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 12 से 13 ओवर के अंदर 143 रन का टारगेट चेस कर सकते हैं। दोनों अग्रेसिव बैट्समैन हैं जिस वक्त चाहे बाउंड्री हासिल कर सकते हैं। अपने व्यूज को बताता चलूँ मुमताज सिटी ग्राउंड काफ़ी छोटा ग्राउंड है। साकिब एक बार फिर देखा बहुत खूबसूरत शॉट कवर के ऊपर से खेल दिया गया फील्डिंग की और चार रन हासिल होंगे यहाँ आते से। आपने देखा खूबसूरत शॉट आबिद का, दिल का शॉट था, क्रिकेट का खूबसूरत शॉट कवर की जानिब खेला उन्होंने। चार रन हासिल होंगे यहाँ मजीद डीसीसी को, स्कोर बढ़ता हुआ 65। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू और मजी खालिद अजीम को गिल को अपने पेज के ऊपर वेलकम करता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जनाब A1 फर्स्ट क्लास, आप सुनाए कैसे हैं? साकिब एक बार फिर सामना करेंगे आबिद का, हाई अंपायर को क्रॉस किया, थोड़ा सा बॉल नीचे रहा, बैकफुट के ऊपर खेलना चाहते थे बॉल, लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर मौजूद हैं, आसानी से एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। खूबसूरत बॉल इस बार साकिब का मुताद तरीके के साथ लॉन्ग ऑफ की जानिब खेला और स्कोर बढ़ता हुआ 66। 5 ओवर के अख्तिताम के ऊपर दो खिलाड़ी का नुकसान। सुलेमान ने और मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 67। जी बिल्कुल मैं भी ठीक हूँ जी, रिजल्ट A1 है जी, थैंक यू जी, हम आपने मैच जीत के आ चुके हैं जी, थैंक यू कंग्रेचुलेशन जी खालिद भाई, आपने मैच जीत चुके हैं और बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और इस वक्त कंटिन्यू है रेजर्वेशन कप T20 टूर्नामेंट का ये छठा मैच लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं और इस बार कदम रख के स्वीप शॉट की जानिब खेल दिया गया अंपायर के मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग अंपायर के दरमियान से खेला खूबसूरत शॉट रियाज खान का। चार रन हासिल होंगे यहाँ, स्कोर बढ़ता हुआ 74 जी। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको खालिद भाई। एक बार फिर खेल दिया गया मिड विकेट के 114, खूबसूरत शॉट, बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं रियाज खान और 114 रन होंगे
बैक टू बैक टू बाउंड्रीज हासिल करने में कामयाब हुए। रियाज स्कोर बढ़ता हुआ 75 छठे ओवर का खेल जारी है। दो खिलाड़ी के नुकसान पर अब तक 14 बालों के ऊपर 33 रन बनाने में कामयाब हुए रियाज और उनका साथ दे रहे हाफिज 5 बालों के ऊपर 6 रन बनाने में कामयाब हुए। 7 बालों के ऊपर 14 रन की पार्टनरशिप 13.2 के एवरेज के साथ इस वक्त रन जोड़ रहे हैं और रिक्वायर्ड रन रेट 4.7 की इस वक्त चाहिए मैच को विन करने के लिए डीसीसी को 143 रन का टारगेट चेस करने के लिए। सैफ को अब तक 9 रन हासिल पड़ चुके हैं 4 बालों के ऊपर। रियाज एक बार फिर सामना करेंगे सैफ की बॉलिंग का। सैफ की बॉलिंग चार के ऊपर मौजूद, इस बार फ्लिपर कर दिया गया बैकफुट के ऊपर खेलते हुए लॉन्ग ऑन की जाने बॉल को प्लेस किया मिस फील्डिंग का सलेमान की जानिब से और मजीद 4 रन हासिल होंगे। बैक टू बैक थ्री बाउंड्रीज वंस अगेन दमयाल थंडर की जानिब से। रियाज ने 3 लगातार चौके लगाने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 79 छठे ओवर का खेल जारी है। लास्ट बॉल बाकी अब तक बहुत प्योर फील्डिंग की जा रही है जैट्स की जानिब से और जैसे कि आपने देखा इजी सिंपल बॉल था जो कैप करना था सलवान को और उनके हाथ को लगता हुआ सीधा बॉल और थोड़ा सा ग्राउंड के अंदर बबलिंग मौजूद है और जिसके लिए इतना आसान नहीं है फील्डिंग करना इस ग्राउंड के अंदर। और जैसा कि एक बड़ा दिलकश शॉट और बड़ा तेज़ शॉट जो बल्ले से निकलता है जब तो बड़ा मुश्किल होता है कि जब बबलिंग कर रही होती है तो फील्डर डर ही रहा होता है कि यार कहीं ऊपर लग ना जाए कहीं आँख पे सर पे कहीं ऐसी ऐसी आ जाए। हाजी साहब एक बार फिर बैट डिलीवरी और इस बार फिर स्विप चार्ट खेलना चाहते थे बॉल भी हुए बल्ले के नीचे से गुजरता हुआ बॉल सीधा यासिर के ग्लव में और एक अच्छा बॉल डॉट करने में कामयाब हुए। अच्छा ओवर दमयाल थंडर्स के लिए 13 रन हासिल करने में कामयाब हुए इस ओवर के अंदर। ये भी उसको बताता चलूँ आज का बड़ा मैच होने की तवक्को थी बट ये इस हवाले से आप ये देख सकते हैं मुमताज सिटी ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं हम जहाँ रेजोल्यूशन कप T20 टूर्नामेंट का छठा मैच आपको लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। जैसे तमाम भी उसको बताते चलूँ बड़े अच्छे मैचों को मैंने किया गया था सरमद भाई की जानिब से। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से थोड़ा सा मैचेस को या टूर्नामेंट को रीशेड्यूल करेंगे क्योंकि ग्राउंड अनअवेलेबल है। जैसा कि आपको बताता चलूँ कामसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड के अंदर ये मैचेस थे, सैफी ग्राउंड के अंदर ये मैचेस थे। आज एक मैच खेला गया सैफी ग्राउंड के अंदर जहाँ वेटरन बॉयज़ का मैच था और वेटरन बॉयज़ ने मैच को विन किया था आज और ये सेकेंड मैच खेला जा रहा है रेजोल्यूशन कप T20 टूर्नामेंट का छठा मैच है सातवां मैच सॉरी छठा मैच कह सकते हैं आप। साकिब एक बार फिर सामना करेंगे आबिद बैकफुट के ऊपर खेलते हुए मिड विकेट की जानिब खेला फील्डर मौजूद थे साथ उन्होंने आसानी फील्ड किया और मजीद किसी रन का इजाफा नहीं हुआ। और इस बार खूबसूरत शॉट है जो स्टेडियम से बाहर बॉल को फेंक दिया गया आबिद ने और खूबसूरत शॉट 6 रन। व्यूअर्स को बताता चलो जायंट सेलार्स वर्सेस दमयाल थंडर के दरमियान ये छठा मैच खेला जा रहा है रेजोल्यूशन कप T20 टूर्नामेंट का और तमाम व्यूअर्स को बताता चलूँ मुमताज सिटी ग्राउंड के अंदर ये मैच लाइव टेलीकास्ट करें हम प्राइम स्पोर्ट टीवी के ऊपर। जैसा कि जायंट सेलार्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का बैटिंग करने का फैसला किया और अब तक उनको टारगेट दिया 143 रन का टारगेट चेस करने के लिए डीसीसी को। अब तक बड़ी अच्छी पोजीशन के साथ डीसीसी के बैट्समैन क्रीज के ऊपर मौजूद है रियाज और उनका साथ दे रहे हैं आबिद। दो खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर 13.4 की एवरेज से अब तक 6.2 ओवर में 85 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। दो खिलाड़ी के नुकसान पर 143 रन का टारगेट चेस करना होगा और बड़े बल्लेबाज इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद हैं बड़े रेंजेस मैन है रियाज और आबिद। जब तक ये क्रीज के ऊपर मौजूद हैं तो ये कहा नहीं जा सकता कि डीसीसी इस मैच को लूज करेगी बल्कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डीसीसी कितने ओवर के अंदर या कितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इस ग्राउंड मैच को वो ख़त्म करने में कामयाब होती है बल्कि अपना रन रेट अब बेहतर करेगी क्योंकि ये इनका पहला मैच है जायंट सेलार्स का दूसरा मैच है जी नहीं है जी। देख लो किसी को बार मंगवा लो कैमरे सामने
बिल्कुल इब्राहिम शाह साहब को मैं अपने पेज को प्रबल कर सकता हूँ। जी बिल्कुल जी, आपने सही कहा जी, स्टेडियम बहुत छोटा है और अच्छा ग्राउंड है, अच्छा एनवायरनमेंट है इस ग्राउंड का, बट बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज हैं मिड विकेट के ऊपर, मिड ऑन के मिड ओवर के क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर कवर की जाने कह सकते हैं, थर्ड मैन की जाने बहुत शॉर्ट बाउंड्रीज हैं और बड़ा ही छोटा ग्राउंड है। कोशिश आपको मेरा कैमरा मैन दिखाने की करेगा। खूबसूरत शॉट है, लॉन्ग ऑन की जानिब खेल दिया गया, रियाद एक बार फिर बैट डिलीवरी की, इस बार साकिब ने दानिशी तौर पर जानबूझकर और बड़े मोहतात तरीके के साथ लॉन्ग ऑफ की जानिब बॉल को फेस किया। रियाज खान ने बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी चांस लिए हुए, वो समझ चुके थे कि साकिब स्लो डिलीवरी करेंगे। साकिब एक बार फिर तेज डिलीवरी की, बहुत अच्छा बैकफुट के ऊपर प्लेस कर दिया गया, कवर की जाने चार रन, खूबसूरत शॉट आबिद की, बल्ले से जोरदार शॉट निकलता हुआ, फील्डर इस बॉल को नहीं रोक पाए और मजीद चार रन हासिल करने में कामयाब हुए। काफी पीछे पड़ा हुआ बॉल था, थोड़ा सा तेज था, जिसका भरपूर फायदा उठाया आबिद ने और बैकफुट के ऊपर जोरदार पंच किया, कवर की जाने चार रन, खूबसूरत चार, स्कोर बढ़ता हुआ 91। थैंक यू रमी, अपने पेज के ऊपर तमाम आने वाले मौजूद दोस्त साहब को खुशखबरी दी कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। इस बार फिर थोड़ा पीछे पड़ा हुआ था, पुल कर दिया सिर की जानेब, फील्डर मौजूद है वहाँ, मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ। तमाम लोग तो बताता चलूँ नाजरीन, सात ओवर के अख्ताम के ऊपर स्कोर 92 और दो खिलाड़ी के नुकसान पर DCC के बैट्समैन इस पर क्रीज के ऊपर मौजूद है आबिद और उनका साथ दे रहे हैं रियाज। सात ओवर के अख्ताम के ऊपर 92 रन हो चुके हैं दो खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर और सैफी उज़ैफा को लाया गया लेफ्ट आर्म स्पिनर को बॉलिंग के लिए और एक बार सामना करेंगे आबिद उनकी बॉलिंग का। आबिद अब तक 10 बॉलों के ऊपर 18 रन बना चुके हैं, 17 बॉलों के ऊपर 38 रन बनाए हुए अब तक बल्लेबाज रियाज खान ने, जो नॉन स्ट्राइकर हैंड पे मौजूद अब तक के कामयाब बैट्समैन उज़ैफा बॉलिंग के लिए अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद। पीछे पड़ा हुआ बॉल था, बड़े अच्छे तरीके से टाइमली बॉल किया स्ट्रेट बॉल फील्डर की जानिब से, बॉल को प्लेस किया स्ट्रेट के ऊपर, मजीद एक रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 93। रियाज इस वक्त मौजूद क्रीज के ऊपर, 38 रन अब तक बना चुके हैं बल्लेबाज और आप ये उसको बताता चलो उज़ैफा अब तक की बड़ी अच्छी इनिंग्स के लिए बल्लेबाज चैट सराज के हैं और बॉलिंग चांस पर मुझे लेफ्ट आर्म स्पिनर करेंगे। अच्छा खूबसूरत शॉट और एक्स्ट्रा कवर से ऊपर उठाकर रियाज खान ने खेल दिया गया, कोई फील्डर रुक में नाकाम रहा और इस तरह मजीद चार रन का इजाफा होगा, स्कोर बढ़ता हुआ 97। आठवें ओवर का खेल जारी है, दो खिलाड़ी तमाम व्यूज़ को बताता चलूँ, जब तक क्रीज के ऊपर मौजूद है रियाज आप तमाम व्यूज़ को दिल का शॉट देखने के लिए मिलेंगे क्रिकेट की। इस बार मिड विकेट के ऊपर जब थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर खेला और मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत शॉट खेलने में कामयाब हुए, कोई फील्डर इस बॉल को रोकने में नाकाम रहा और मजीद चार रन का इजाफा होगा, खूबसूरत शॉट, दो दिल का शॉट खेले इस बार मिड विकेट के ऊपर से खेला, चार रन होंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 101। आठवें ओवर का खेल जारी, जब तक क्रीज के ऊपर मौजूद है रियाज तो आप तमाम शाकिन को खूबसूरत शॉट क्रिकेट के देखने के लिए मिलेंगे, कवर एक्स्ट्रा कवर स्पेड के ऊपर से और मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत अच्छा शॉट खेलने के बड़े माहिर हैं। इस बार बहुत अच्छा स्वीप बल्ले के साथ खेल दिया गया, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान फील्डर कोई भी इस बॉल को रोकने में नाकाम रहा और इस तरह कंजेक्टिव थ्री बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए रियाज,
वंस अगेन वेरी वेल बैटिंग और अपनी 50 जोड़ अब तक मुकम्मल करने में कामयाब है। 20 बॉलों के ऊपर खूबसूरत इनिंग्स खेली अपनी टीम बीसीसी के लिए और नकाबले शिकस्त अब तक क्रीज के ऊपर मौजूद। इस बार फिर उजैफा 3 चौके लगातार खाने के बाद इनको अब तक 13 रन पड़ चुके हैं रियाज। एक बार फिर उजैफा का सामना करेंगे। इस बार खूबसूरत शॉट टांग रखकर खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से ग्राउंड से बाहर, दिल का शॉट 6 रन हो गया, अंपायर का इशारा 6 रन और स्कोर बढ़ता हुआ 107-11। स्कोर बढ़ता हुआ 111। 8वें ओवर का खेल जारी है, अब तक 19 रन पड़ चुके हैं इस ओवर के अंदर। रियाज दिलकश खूबसूरत शॉट मेरे हमारे शाइकिंग को देखने के लिए मिले, जैसा कि उन्होंने पहला शॉट स्टेट की जानब खेला, दूसरा कवर की जानब, तीसरा मिड विकेट की जानब, 4 रन हासिल किए कंजेक्टिव, 3 बाउंड्री हासिल की थी और चौथे बॉल के ऊपर छक्का लगाने में कामयाब हुए। खूबसूरत शॉट था जो मिड विकेट से बाहर बाउंड्री के ऊपर फेंक दिया उन्होंने और यहाँ 6 रन हासिल होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 111, लॉस्ट ऑफ 2 विकेट्स। 8वें ओवर का खेल जारी, चारों तरफ खेलने के बाद रियाज खान बड़े दिलकश शॉट खेलते हैं विकेट की चारों तरफ, जैसे शाकिब को देखने के लिए मिला स्टेट के ऊपर से बड़े खूबसूरत शॉट खेले, ओवर कवर कवर एसला कवर के दरमियान पॉइंट के दरमियान और इस बार मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत शॉट चक्का खेल दिया। इस बार बहुत अच्छा बॉल को प्लेस किया बैकफुट के ऊपर कवर की जाने, फील्डर मौजूद, मजीद एक रन का इजाफा होगा। यहाँ अपने व्यूज को बताते हैं 8 ओवर के अख्ताम के ऊपर 112 रन, 2 खिलाड़ी के नुकसान हुआ। आबिद अब तक 11 बालों के ऊपर 19 रन बनाने में कामयाब हुए। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से और कवर के दरमियान से बाल को पेश कर दिया गया आबिद। इस बार उन्होंने खूबसूरत शॉट खेला, मजीद 4 रन हासिल होंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 117। 9 ओवर का खेल जारी, साकिब और इस बार फिर सामना करेंगे आबिद विकेट कीपर बैट्समैन और एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छी डिलीवरी स्लो डिलीवरी थी मुताद तरीके के साथ पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान बॉल को प्लेस किया इस बार आबिद ने और मजीद एक सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर बढ़ता हुआ 118। 9वें ओवर का खेल जारी, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं दोनों बैट्समैन आबिद और उनका साथ दे रहे हैं रियाज खान, बड़ी अग्रेसिव इनिंग्स खेली रियाज खान ने अब तक 20 बॉलों के ऊपर 50 रन बनाने में कामयाब हुए और कट करना चाहते थे बॉल आजुआ सीधा थर्डमैन की जानेब, इस बार फिर सलमान मिस रीड किया उन्होंने और एक रन का मजीद इजाफा होगा। स्कोर बढ़ता हुआ 119। और इस बार बहुत खूबसूरत शॉट फील्डर के पास गया और एक रन हासिल करने में कामयाब हुए। कैच होने का चांस वो करता तो वो होल भी जाता उसका, पर दूसरा शॉट था ना, शॉट की दाद देनी चाहिए बंदे को। बिल्कुल जी, इस बार पीछे पड़ा हुआ था बैकफुट की जाने मिड विकेट की जाने बॉल को प्रेस किया बैकफुट पे खेलते हुए और मिस हिट किया, 4 रन हासिल होंगे रियाज खान को इस बार।
9 ओवर के अख्ताम के ऊपर स्कोर 124 दो खिलाड़ी के नुकसान पर अपने व्यूज को बताता चलूं बड़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर डीसीसी के बैट्समैन इसका क्रीज के ऊपर मौजूद वन साइड एट मैच कर दिया उन्होंने अब तक उनके दो खिलाड़ी आउट हुए हैं 9 ओवर के अख्ताम के ऊपर 124 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर के लिए लाया गया है अच्छा बॉल खड़े खड़े खेल दिया इस बार आबिद ने कवर की जाने पर फील्डर मौजूद है शहजाद ने बॉल को मिसफील्ड किया और इस अंदाज में मजीद एक रन का इजाफा होगा दस ओवर का खेल जारी अब तक 125 रन है 65 बॉलों के ऊपर 18 रन दरकार है मैच को विन करने के लिए डीसीसी के बैट्समैन को 8 विकेट दरकार है मैच को विन करने के लिए कैच स्लैश एक बार फिर जवाब अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद आई एम्पायर को क्रॉस किया इस बार खूबसूरत शॉट मिड विकेट और लॉन्ग के दरमियान 1.4 रन होगा स्कोर बढ़ता हुआ 129 आज दिल का इनिंग्स रियाज खान के बल्ले से आपको देखने के लिए मिली खूबसूरत शॉट के लिए आपने विकेट की चारों जानेब स्वीप शॉट भी बहुत अच्छा खेलते हैं कवर ड्राइव भी बहुत अच्छा करते हैं मिड ऑफ के ऊपर से मिड विकेट के ऊपर से बहुत खूबसूरत शॉट खेले एक बार फिर जवाहर खान बॉलिंग करेंगे रियाज खान को पीछे पड़ा हुआ था इस बार मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से बॉल को प्लेस किया फील्डर इस बार रोकने में नाकाम रहे पास से गुजरती हुई बॉल लगते के वक्त बाउंड्री लाइन क्रॉस किया एक और बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए स्कोर बढ़ता हुआ 133 अपने व्यूअर्स को बताता हूं 10 रन मैच को विन करने के लिए अब तक बाकी जवाहर खान अपना पहला ओवर कर रहे हैं पहले ओवर के अंदर तक 9 रन खा चुके हैं 3 वाले भी बाकी के मजबूत स्कोर के ऊपर दो खिलाड़ी के नुकसान पर 10वें ओवर का खेल जारी है दो बॉल बाकी है 10वें ओवर की जवाब अपने बॉल निशान के ऊपर मौजूद इस बार सामना करेंगे आबिद आबिद अब तक 15 बॉलों के ऊपर 26 रन बनाए हैं आबिद एक बार फिर सामना करेंगे जवाब का मौजूद है पीछे पड़ा बाल था मुताकी के साथ लॉन्ग ऑन किनारे बाल को फेस कर दिया फील्डर मौजूद है सलमान उन्हें बाल को फेंक दिया एक रन का मजीद यहां इजाफा होगा 10 ओवर के अख्ताम के ऊपर 135 रन दो खिलाड़ी के नुकसान पर मैच को विन करने के लिए 8 रन दरकार है डीसीसी के बैट्समैन को 10 ओवर के अख्ताम के ऊपर अब तक 13.5 एवरेज के साथ रन बनाने में कामयाब हुई डीसीसी की टीम और अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा मजीद आबिद की जानब से और रियाज की जानब से रियाज अब तक अपनी स्थिति बना चुके हुए हैं बल्कि 28 बालों के ऊपर 72 रन जोड़ चुके हैं 27 रन बनाए अब तक आबिद ने 17 बालों के ऊपर 73 बालों के ऊपर 74 रन की बहुत अच्छी पार्टनरशिप दोनों बैट्समैन के दरमियान 0.8 की रन रेट दरकार है मैच विन करने के लिए और इस वक्त 13.5 की औसत से रन बना रहे हैं दूसरी के बैट्समैन और आबिद इस बार सामना करेंगे साकिब की बॉलिंग का साकिब ने 3 ओवर के अंदर 32 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया आबिद साकिब का सामना करेंगे अच्छा मैच को पकड़ दिया बॉल को रोकने में नाकाम रहे मजीद एक रन का इजाफा होगा यहाँ स्कोर 137 7 रन की दूरी पर मैच को विन करने के लिए रियाज खान एक बार फिर सामना करेंगे साकिब का
अच्छा बैकवर्ड के ऊपर गेंद लेके जाने बाद को प्रेस कर दिया गया, यहाँ दो रन होंगे और बड़ी अच्छी प्लेसमेंट रियाज की जाने से, खूबसूरत प्लेसमेंट, मजीद दो रन, स्कोर बढ़ता हुआ 138। रियाज अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की जाने, लॉन्ग ऑफ की जाने बाल को प्रेस किया, ये लॉन्ग मौजूद है, यहाँ मजीद एक रन का सिंगल का इजाफा होगा, 139 दो खिलाड़ी के नुकसान पर। 11वें ओवर का खेल जारी, तीन बॉले भी बाकी हैं, आबिद सामना करेंगे साकिब का। अच्छा कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे, बॉल को चेक किया, वापस बॉलर की जानिब खेल दिया गया बगैर किसी रन बनाए हुए। अच्छे तरीके के साथ बॉल को प्लेस किया ऑफ की जानिब, वे बाय से इंस्ट्रक्शन आई है कैप्टन की ओवर के अंदर मैच को फिनिश करना और स्कोर पूरा करना, अब तक तीन रन बाकी है मैच को विन करने के लिए साकिब, और स्वीप शॉट खेल दिया गया, मिड विकेट है की जाने पर फील्डर मौजूद, जो आसान होने बाल को फिर किया, मजीद एक ही रन का इजाफा होगा लेकिन इस पर इतफाक करना होगा। 10-11 ओवर के अख्ताम के ऊपर 140 है और बगैर किसी वन साइड मैच चाहिए। सेफी को बॉलिंग के लिए लाया गया है, राइट हैंड लेग स्पिन बॉलिंग करेंगे और इस बार सामना करेंगे रियाज उनकी बॉलिंग का। रियाज बहुत अच्छे बैटिंग की, आज उन्होंने 31 बॉलों को 75 रन की रिकॉर्ड शिकस्त देने के लिए और अब तक नॉट आउट अपनी टीम के लिए क्रीज के ऊपर मौजूद, दो रन मैच को टाई करने के लिए चाहिए और तीन रन मैच को विन करने के लिए चाहिए होंगे। सैकड़ बार फिर आई एम्पायर को क्रॉस किया, बैट डिलीवरी इस बार खेल दिया, मिडिल विकेट के ऊपर से खेलना चाहते बॉटम हुआ और लॉन्ग ऑन की जाने पर बॉल गया, फील्डर मौजूद थे साकिब, उन्होंने इस कैच को पकड़ने में नाकाम रहे और एक रन का जहां इजाफा होगा, एक रन को चाहिए, एक रन लेवल के लिए चाहिए और दो रन बैक करने के लिए चाहिए। आबिद क्रीज के ऊपर मौजूद और बॉलिंग के लिए मौजूद है सैफ, इस बार बॉल को जाने दिया सीधा कीपर के ग्लव्स में और एक रन दरकार है मैच को टाई करने के लिए, दो रन दरकार है मैच को विन करने के लिए, इजिली बहुत इजी बीसी चलिए अपने बॉलिंग चांस के ऊपर मौजूद, सामना करेंगे आबिद, इस बार बहुत अच्छा और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठा के खेल दिया गया, कोई फील्डर इस बॉल को रोकने में नाकाम रहा और मजीद चार रन हासिल होंगे और यहां ये मैच आसानी से डीसीसी ने विन कर दिया 8 विकेटों से। खूबसूरत बैटिंग का मुजाहरा किया आबिद ने और तमाम व्यूअर्स को बताता चलूं आबिद ने 32 बॉलों के ऊपर 77 की रन की मुकाबले शिकस्त नॉट आउट इनिंग्स के लिए और 22 बॉलों के ऊपर 33 रन आबिद ने बनाए हैं और खूबसूरत इनिंग्स का ये मेरे शायकी ने सकत देख रहे हैं, सेकंड किया जा रहा है मैच क्लोजिंग होने के बाद और ये आप लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं मुमताज सिटी ग्राउंड के अंदर से कैशलेस ओवरसीज दिव्यांग थंडर्स के दीवान, ये मैच खेला जा रहा है और आज ये मैच आसानी डीसीसी ने विन किया है 8 विकेटों से। जैन सलार ये सेकंड मैच खेली थी, एक मैच उन्होंने अब तक जीता है और ये एक मैच वो हार चुके हैं जबकि दमयाल थंडर ने एक मैच खेला, पहला मैच उनका और सारे मैच के अंदर उन्होंने विजय हासिल की है। ये मेरे व्यूअर्स और नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, दोनों टीमें इस वक्त लाइन अप हुए हुए शेक हैंड्स कर रही हैं अपने एक दूसरे खिलाड़ियों के साथ। देख सकते हैं अमित अमित